हाँ जी, तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा कि हम लोग पहुंच चुके हैं पंगोट रूफटॉप कॉटेज में, और इस कॉटेज के बारे में मुझे बताया था पापा ही दाने। उन्होंने कहा कि हमेशा तो भीड़भाड़ में रुकते ही हो, क्यों ना एक बार ये भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच एक बार स्टे करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और जिस टाइप का तुमको होटल पसंद है ये उस टाइप का भी है, मतलब थोड़ा लग्जरी टच भी है इसमें, भीड़भाड़ से भी दूर है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा फोटोज वगैरह देखकर, इसलिए मैं भी बोला चलो घूम कर आते हैं वहीं से। तो अब एक ही बार ये वाले वीडियो को रूफटॉप कॉटेज से ही कंटिन्यू करते हैं। व्यू देख लो होटल से। ये हम लोग जैसे ही एंटर किए हैं यहाँ पे हम लोग को होटल का रेस्टोरेंट दिख रहा है। भाई यहाँ बैठकर खाओ ये नजारे के साथ, और क्या ही चाहिए। ये हमारा होटल है, देख लो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो मैंने दिखाया आपको ये रिसेप्शन है, और यहीं पे डाइनिंग एरिया भी है, और ऊपर में हैंग आउट एरिया है जो की मैं आप लोग को जाके दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे बच्चों के लिए देख लो, अगर बच्चों के साथ आ रहे हो ना तो साइकिल वगैरह भी है, बच्चे आराम से अपना इंजॉय करेंगे यहाँ पे। क्या है बाकी जो हमारा कॉटेजेस है वहाँ पे दिख रहा है, तो रूम में जाते हैं तो रूम को भी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे देख लो काफी सारे एक्टिविटीज है टाइम पास के लिए, देख लो यहाँ पे कैरम, बैडमिंटन, लूडो, क्रिकेट वगैरह, बैडमिंटन वगैरह सब कुछ खेल सकते हो। बाकी अब चलो अपने रूम को दिखाता हूँ मैं, हमारा रूम कैसा है। बाकी ये व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है। जी तो हमें मिला है ये 102 नंबर रूम, चलो देखते हैं अंदर से कैसा है। ये सामान हमारा इधर ऑलरेडी आ गया है। भाई साहब क्या सही रूम है ये तो पूरा लकड़ी का बना हुआ है हर कुछ। ओ भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये तो हमारा रूम है ही। और साथ ही यहाँ पे ऊपर में भी हम लोग को एक जगह मिला है, और उससे भी बढ़िया ये नजारे देख लो, बाहर बैठने का भी जगह है। ये हमारा बालकनी, ये नजारे, क्या चाहिए और बताओ। ये तो ITC और ताज भी नहीं रखते, बिस्लेरी वेदिका का पानी है, साइड में मिरर, और सबसे जरूरी चीज वाईफाई। भाई मतलब सारे पैसे इसी के तो हैं। और इस रूम की सबसे खास बात यह है ना कि मतलब एक लकड़ी का हर जगह टच मिलेगा आपको। वार्डरोब में क्या है, अच्छा वार्डरोब में यहाँ पे स्लीपर मिल जाता है, और ये जो सीढ़ी बना हुआ है यहाँ से आप ऊपर जाकर ऊपर भी सो सकते हो, बालकनी भी ऊपर है जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। और रूम में आपको फैन भी मिल जाएगा यहाँ चाय कॉफी बनाने के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको इनका वॉशरूम, तो देख लो ये इनका वॉशरूम है, एकदम नीट एंड क्लीन। ये शावर एरिया, और पहाड़ों के लिए सबसे जरूरी चीज गीजर, ये एक और मिरर, और इधर सेविंग मिरर। वॉशरूम तो इनका बहुत ही अच्छा है, और रूम तो आप भी देख ही रहे हो कितना अच्छा है। हमारे पास दो रूम का ऑप्शन था, एक था स्वीट रूम एक था डुप्लेक्स रूम, बट मुझे डुप्लेक्स रूम इनका बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने डुप्लेक्स रूम ले लिया है। हाँ जी तो ये जो देख रहे हो ना ये इनका स्वीट रूम है, ये जो आप देख रहे हो ये लाइक सोफा कम बेड है, अगर आप इनको बोलते हो ना तो ये हटाकर ये इनको बेड भी बना देंगे। और ये रहा इनका बेडरूम। भाई रूम मतलब मुझे एक चीज इनके होटल का काफी अच्छा लगा, ये देख लो ये चीज, हर जगह आपको वुडन फिनिशिंग मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो इनका स्वीट रूम है। अब इसका क्या प्राइस है, और जो मैं डुप्लेक्स में रह रहा हूँ उसका क्या प्राइस है, मैं सब कुछ बता दूंगा, वीडियो को एंड तक देखना। हर रूम में एक राउटर मिल जाएगा, तो इंटरनेट की स्पीड को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और मैंने चेक किया है क्योंकि मुझे तो वीडियो अपलोड करना पड़ता है, तो मुझे तो अच्छा इंटरनेट चाहिए ही। आप आराम से बैठकर अपना अगर ऑफिस का काम है या फिर कुछ भी ऐसा है, 6 या 7 दिन रहकर भी आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये स्वीट रूम का खासियत पता है क्या है, ये बेड है और बेड के एकदम साथ में ये देख लो, अभी तो पूरा बादल से ढका हुआ है लेकिन जैसे ही बादल हटेगा आपको ही पता है क्या नजारे देखने मिलेंगे। बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, रूम में ही लेटे रहो, वाईफाई तो है ही तगड़ा, सॉन्ग सुनो या फिर चैट करो कुछ भी करो, और ये नजारे भी एंजॉय करो। और ये हेयर ड्रायर वगैरह सब कुछ है। और ये जो है ये स्वीट रूम का वॉशरूम, ये इनका शावर एरिया, साथ में ये सारे टॉयलेट्रीज, और ये डेकोरेशन देखो, अगर आप लोग कपल हो बेस्ट है यार, कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं है। कपल के नाम से पापायदा के मुंह में स्माइल। वैसे मैं बता दूं इनके पास 4 डुप्लेक्स है और 2 स्वीट रूम है। डुप्लेक्स वो जिसमें मैं रह रहा हूँ, बाकी नजारे तो हर ही रूम से है, ऐसा कोई ये नहीं है कि इस रूम से अच्छा व्यू है या फिर वो रूम से ज्यादा अच्छा व्यू है। व्यू आपको हर रूम से मैंने देखा है अच्छा ही मिल रहा है, ये व्यू मिलेगा आपको देख लो, चारों और बादल ही बादल। तो अभी तक तो हम लोग फ्रेश हुए नहीं है, तो सबसे पहले जाके फ्रेश होते हैं, उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओ भाई यहाँ भी बैठ के लोग खा सकते हैं,
यहाँ भी काफी मस्त बैठने का, चिल मारने का जगह है। यहाँ पे साउंड बॉक्स वगैरह भी लगा हुआ है। अगर आप ग्रुप में आते हो ना तो काफी इंजॉय कर सकते हो ऊपर। ये हमको लगता है जब शायद ग्रुप में आप आओगे, क्राउड रहेगा, मान लो काफी सारे गेस्ट हैं यहाँ पे, शाम के टाइम में बैठे हुए हैं, गाना बजेगा, सब इंजॉय करेंगे। मजा आ गया यार ये वाला पार्ट देखकर। ये हमारा होटल यहाँ पे। हाँ जी, होटल पहुंचते तो हमारा लंच का टाइम हो गया था, और लंच हमारा सर्व हो चुका है, वो भी देख लो ये नजारे के साथ। वैसे हम लोगों ने ऑर्डर किया है, देख लो यहाँ पे राइस है, मिक्स वेज है, दाल तड़का है, और एक चीज आपने नोटिस किया ये देख लो, मिंट वाटर, सही है ना। चलो भाई आप पेट पूजा करते हैं, बहुत जोर का भूख लगा है। रोटी के साथ तो मिक्स वेज यार सही लग रहा है। इतना ठंडा वेदर हो रखा है ना, हम लोगों को चाय पीने का। ये हमारे गर्मा गर्म पकौड़े साथ में चाय, पहाड़ों में यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ जी, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, और बाहर के नजारे देखो, माहौल देखो, और साथ में ये पकौड़े चाय। चीयर्स इस पहाड़ के नाम। मस्त बना चाय एकदम। वैसे हमारे पास हमारे बैल्कनी का भी ऑप्शन है ऊपर बैठकर खाने का, ये पनीर के पकोड़े। और ये पकोड़े यार मतलब क्या बताऊं मैं, ऐसे वेदर में ना एकदम ठंडे वेदर में गर्मा गर्म चाय और ये गर्मा गर्म पकोड़े। तो अभी हो गया बारिश जैसा मौसम, और हमें मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, कुछ चिली आइटम। पापा इधर बोलते हैं। हाँ देखते हैं, चलो ना चिली आइटम ही खाएंगे, कुछ चिली आइटम खाने का मन कर रहा है। ऊपर से बारिश हो रहा है ना, इस टाइम अगर कोई चिली आइटम मिल जाए तो क्या ही कहना है। और ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है। हाँ जी, तो अभी मैं इनके रेस्टोरेंट में तो आ गया हूँ। जैसा कि मैंने कहा, हमें थोड़ा चिली टाइप का कुछ आइटम खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है, उसके बाद कुछ ऑर्डर करते हैं। तो जो भी मैं ऑर्डर करूंगा जब आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये देख लो, ये इनका बुफे एरिया है। अगर मान लो जैसे गेस्ट जब ज्यादा होते हैं तब यहाँ पे बुफे, डिनर, लंच या फिर ब्रेकफास्ट में आप कर सकते हो। अगर आप हुक्का लवर हो तो आपके लिए भी जुगाड़ है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये चिली पनीर देखते हैं कैसा है। इवनिंग में पनीर पकौड़ा खाया था ना, उसका बात ही अलग था। जैसा वेदर रहेगा उस हिसाब से खाना का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब देखते हैं ये चिली पोटैटो कैसा है। ये जो चिली पोटैटो है ना भाई, एक स्वीटनेस भी है, सही है, जैसा मुझे पसंद है, चटपटा टाइप, मस्त है ये वेदर के साथ ना। ये जो जो उसमें कुछ ज्यादा स्टार्टर्स आ गया, इससे अच्छा स्नैक्स मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। और आप लोगों को दिखाने के लिए काफी कुछ हम लोगों ने मंगा लिया, और ये जगह हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, सोच रहे हैं कल एक्सटेंड कर लें। क्या बोलते हो बाबा इधर? भाई बोलने तो है, और ये जगह से तो अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये हमारा रूम भाई साहब, अभी काफी ज्यादा ठंड हो रखा है। और ये देख लो, हम लोगों ने यहाँ पे सूप ऑर्डर कर लिया है। भाई ऐसे ठंड के लिए तो सूप ही चाहिए। ये भाई तो मंचाओ सूप है। ऑलराइट, तो ये होने वाला है हमारा आज का डिनर। चिकन करी है ये, मटर पनीर, राइस, सलाद है। वैसे हम लोगों ने नॉर्मल चपाती मंगाया है विदाउट बटर का, आज कुछ ज्यादा ही खाना हो गया, इसलिए सोचा है कि नहीं आज रोटी खाएंगे, चावल पापा इधर खा लेंगे। ट्रैवलिंग में क्या होता है ना, हम लोग बहुत ही रिच खाना खाते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखा, यहाँ पे कोई भी खाना हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं ना, एक चीज मैं देख रहा हूँ, यहाँ के खाने में ऑयल काफी कम यूज किया जा रहा है, मसाला भी मैंने देखा काफी कम है। तो ये मुझे काफी सही लगा, अभी तक तो ट्रैवल में इतना रिच खाना खाना सही भी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, हमारा ये काम ही है, खाकर दिखाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। अब देखते हैं ये चिकन करी के साथ ये रोटी को ट्राई करके, करी थोड़ा और ठीक हो सकता था, लेकिन हाँ चिकन को काफी अच्छे तरीके से कुक किया गया। चलो अब एक काम करते हैं, इन सबको निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी, सूट के चक्कर में ना यार खाना भी ठंडा हो जाता है, गर्म है मुंह में, याद ही मेल्ट हो गया। देख लो अब आने वाला है बढ़िया नींद, चेहरे से पता चल रहा होगा कितना थक गए हैं, अब जा रहे सोने के लिए। वैसे जो अभी वेदर हुआ है ना, मतलब मस्त लग रहा है, क्या नींद आने वाला है ना बॉस हम लोगों को। बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो बाकी का अपडेट है वो आप लोग को सुबह मिलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, और ये नजारे, मेरा एडिटिंग भी हो गया कंप्लीट, पापा इधर अभी सोए हुए हैं। अब आप लोग को बाहर का नजारा दिखाता हूँ, मैं थोड़ा देर ऊपर सोया था फिर नीचे आ गया काम करने के लिए। अब सुबह सुबह ऐसे नजारे मिल जाए तो क्या ही कहने। तो देख लो, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं पहाड़ों में अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और स्पीड देख लो नेट का, 2 मिनट दिखा रहा है भाई, 2 GB का वीडियो अपलोड होने में बस 2 मिनट दिखा रहा है। यही फायदा होता है अगर हर रूम में आपको पर्सनल वाईफाई मिल जाए तो। भाई देख लो 61 हो गया अभी, 62, इतना अच्छा स्पीड तो जब मैं दिल्ली में था वहां के होटल में मुझे नहीं मिला। पहाड़ों में काम भी हो रहा है मेरा, वीडियो भी अपलोड हो रहा है मेरा। हाँ जी, तो अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ एकदम, और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया है। नहाने में काफी मजा आया, जैसा कि मैंने कहा रूम में गीजर है, और ये मैंने चाय भी बोल दिया था तो चाय भी आ गया है, तो चलो चाय पीते हैं। पापा इधर भी उठ गए हैं पीछे, मॉर्निंग, चलो चाय पीते हैं। हम तो फ्रेश हो गए, अभी पापा इधर जाएंगे फ्रेश होने, फिर ब्रेकफास्ट करने भी जाना है। जब तक चाय ना पियो ना लगता ही नहीं कि सुबह हो गया, जबकि मैं फ्रेश हो गया हूँ बताओ तब भी लग नहीं रहा था कि सुबह हो गया, बस चाय मिल गया। हाँ जी, तो अब हमारा ब्रेकफास्ट भी लग चुका है, देख लो ये हमारा ब्रेकफास्ट। चलो जाकर दिखाते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में, और साथ ही मैं लैपटॉप भी लेकर आ गया हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर बैठकर वीडियो भी एडिट कर लूंगा मैं। हाँ जी, तो देख लो ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। यहाँ पे पूड़ी है, ये रहा भाजी, और ये पास्ता, और साथ ही ऑमलेट, और चाय तो है ही हमारा। आज का जो ब्रेकफास्ट है हमारा, हम लोग बैल्कनी में बैठकर करने वाले हैं, और कुछ ये नजारे दिख रहे हैं, पहाड़ों में पास्ता, सही है।
जैसा कि मैंने आपको रात में भी बोला, ऑयल एकदम कम है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा स्पाइसी है, अच्छा बनाया है। जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तब तक आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय कर लो। और यहाँ पे एक दिन रह के मैंने देखा है यहाँ पे जो शांति है ना बॉस, मतलब आपका माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा। आपको पता है मैंने यहाँ पे दो वीडियो एडिट कर डाला अपना, दो वीडियो। हाँ जी, तो अभी टाइम हो गया है हमारे चेकआउट का। पपीता कैसा लगा यहाँ पे? एक नंबर लगा। इस जगह का मुझे सबसे खास बात लगा, वैसे तो बहुत सारा बात है इस जगह के बारे में बताने को, ये मेरा डिस्कवरी चैनल नहीं है इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर बताऊंगा, यहाँ पे बहुत ही शांति है। अभी हमारा प्लान हो रहा है नैनीताल जाने का, क्राउडेड प्लेस जाने का। आज जो मैं यहाँ पे स्टे कर रहा था ये पपीता के वजह से, क्योंकि पपीता ने कहा था कि थोड़ा चलो अंदर के साइड में रहते हैं। नैनीताल यहाँ से 17 या 20 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग जा रहे हैं नैनीताल में स्टे करने के लिए, वहाँ का भीड़ भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुँच गए नैनीताल, और नैनीताल पहुँचते यहाँ की ट्रैफिक और यहाँ का क्राउड हर कुछ से सामना हो गया। तो बस यही फर्क है, ऊपर में एकदम शांति से रहना, बिना किसी डिस्टर्बेंस के रहना, और यहाँ पे ये क्राउड। वो तो थैंक गॉड मैंने ऊपर ही दो वीडियो अपना एडिट कर डाला है, वरना इधर तो वीडियो मेरा एडिट हो भी नहीं पाता, अपलोड भी नहीं हो पाता, क्योंकि इंटरनेट स्पीड भी यहाँ पे लुल है। ऊपर शांति इतना था ना कि एकदम अच्छे से एडिट भी हो गया वीडियो, और इंटरनेट भी अच्छा था तो वीडियो अपलोड भी कर दिया मैंने। वैसे ऊपर रूफटॉप कॉटेज के आसपास में काफी सारा जगह है जहाँ से आप काफी अलग अलग टाइप के बर्ड्स देख सकते हो, जो कि हमें टाइम नहीं मिला। बाकी आप लोग कमेंट में बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, रूफटॉप कॉटेज कैसा लगा। और अगर मैं अपने रूम की बात करूँ, जिस रूम में मैं रुका हुआ था डुप्लेक्स रूम, उसके लिए मैंने पे किया था 4,500 रुपीज, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। और अगर मैं इनके स्वीट रूम की बात करूँ तो उसका प्राइस है 5,500 रुपीज, जिसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड है। और इनके पास एक अच्छा ऑफर भी चल रहा है, जो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुकिंग का नंबर मिल जाएगा आपको। अगर आप ग्रुप में आते हो ना तो पर पर्सन 25 या 2,600 रुपीज करके है, जिसमें ऑल मील इंक्लूड है। बुकिंग के लिए आप लोग इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो यहां तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।